राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो सो फ्रेंड्स, अभी जो है व्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं सुबह से। आज जो है 24 तारीख का व्लॉग है ये, और सुबह सुबह जो है मैं स्कूल नव्या को लेके आई थी। मेरी बेटी है नव्या, 5 साल की, तो जो है UKG क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो बैठती नहीं, इस वजह से मुझे बैठना पड़ता है उसको साथ में लेकर, और 2 घंटे पढ़ा के मैं उसको ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे घर पे आके नहा धो के मैं गई थी काम करके, और आके मैंने पूजा करी, और पूजा के बाद हम लोग जा रहे हैं छत पे, छत पे नहीं सॉरी, दूध वाले आ गए थे पूजा करते के बीच में, तो यहाँ पे दूध वाले नाना से दूध ले लेते हैं और दे देते हैं उनको पैसे। तो डेली हम जो है 20 रुपये का दूध ले लेते हैं, तो हो जाता है हमारे लिए। बस दूध ले लिया है, इसके बाद जो है ये जो पूजा का पानी है उसको भी डाल आते हैं छत पे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे जो भी पेड़ पौधे लग रहे हैं ना, उनको मैं आप लोगों के थोड़ी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी, तो आप लोग शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है बेलपत्री का पौधा है ना, वो लग रहा है, और जामफल है, और ये सारे जो है गुलाब के पौधे हैं, सफ़ेद लाल गुलाब, और गुलाबी है, ऑरेंज कलर का है, और पिंक कलर का है, तो 3-4 कलर के गुलाब हैं। और यहाँ पे ये बारहमासी के कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी गुलाब के पौधे हैं। तो बस ये जो है पूजा के लिए फूल तोड़ लेते हैं थोड़े से। फ्रेंड्स, ये जो है कपड़े रखे हुए थे, मतलब कल के डले हुए थे एक दिन पहले के, तो उनको उठा लाई हूँ। ये सारे कपड़े जो है मुझे घड़ी करना है, और माता पूजन में पहन के गई थी ना, तो वो साड़ी पड़ी है उसको भी घड़ी करके रखना है। और यहाँ पे ये जो है नव्या फूल तोड़ के लाए ना, उनको जो है भगवान जी पे चढ़ा देती है। उसके साथ में मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प, पूजा दूध को भी गर्म कर ही लेते हैं साथ के साथ में। और किचन के जो है सारे काम हुए हैं, सब्जी बनाना है, देखती हूँ क्या बनाते हैं। यहाँ पे रखे थे सुबह के पोहे, तो इसको भी गर्म कर लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा, खाना तो फिर बाद में बनाएंगे। फ्रेंड्स, खाना खा के आराम से, थोड़ी सी जो है ठंड का मौसम है ना, तो ठंड लग जाती है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। मैं थोड़ी सी धूप में 8-10-15 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर बैठो ना तो धूप भी लगने लगती है, तो खाना खा के सर्दी में तो लगती है, तो बस यहाँ पे गेट पे अच्छी सी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, और मंदिर जाते हैं, मंदिर में दिया लगा के आते हैं, और फिर आज मतलब शादी, कल शादी है 24 तारीख की, 25 तारीख की, तो आज जो है संगीत है, तो वहाँ पर जाना है शादी में, तो बस चलते हैं। बस अभी जो है मंदिर जाके आती हूँ मैं, और फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे शादी में, तो पहले मंदिर घूमाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए मंदिर, और यहाँ पे भुलभाला का मंदिर आप देख ही सकते हैं, तो घर से थोड़ी सी दूर पर है, तो पैदल पैदल आ जाते हैं, 5-10 मिनट का रास्ता है आराम से। और यहाँ पे लगा देती हैं दिया, तो फ्रेंड्स मंदिर से तो मैं आ गई हूँ, और घर पे भी मैंने दिया लगा दिया है, और तुलसी जी पे भी लगा दिया है, तो बस अब जो है तैयार होते हैं, और तैयार होके फिर मिलती हूँ मैं आपसे, कि शादी में जाना है खाना खाने के लिए। मतलब हमारे परिवार में चाचा जी हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो चाचा ससुर की, तो परिवार में ही है शादी, इसलिए मैं 2 दिन से हम डेली जा रहे हैं। कल परसों रज्जा का था, कल माता पूजन थी, और आज जो है संगीत है, तो वहीं पर जाना है, तो हम सब लोग जाएंगे। मैं यहाँ से तैयार होके, हमारे दूसरा घर है, बड़े घर ही बोलती हूँ मैं उनसे, वहाँ पे, तो वहाँ पे सब लोग रहते हैं, भाभी वगैरह सब लोग, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से सब लोग इकट्ठा होके फिर हम लोग शादी में जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी नव्या को तैयार करना है बस, और ये मैंने साड़ी पहनी है, ये मेरी साड़ी है शादी की, तो ऐसे ओकेशन पे वगैरह पे पहन लेते हैं, नहीं तो इतनी भारी साड़ी मतलब पहन नहीं पाते हैं। बस मैं हो गई हूँ रेडी, और बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और बस मैं घर को तैयार करना है, फिर जाएंगे शादी में। सो
सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग हो गए हैं तैयार, और नव्या को भी मैंने तैयार कर लिया है, और ये आ गए थे, तो अब हम लोग मतलब जाएंगे तो इनको भी ये भी हो जाते हैं तैयार, और जेंट्स लोग क्या है 5-10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है मतलब ये तैयार होने के बाद ये देखिए हम दोनों हो गए हैं रेडी, और बस इनको तो ये है कि बस ऐसे कैसे भी तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ी सी हमने एक दो फ़ोटो ली थी, और वो इसके बाद जो है फिर हम लोग निकल जाएंगे हमारी 3 व्हीलर से। तो 3 व्हीलर यानी आप लोग सोच रहे होंगे 3 व्हीलर क्या है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बता देती हूँ। 3 व्हीलर हमारी टैक्सी। तो बस हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं हमारे बड़े घर, तो यहाँ पे आ गए हम, देख सकते हैं ये हमारा दूसरा मकान है, यहाँ पे हमारी सब फैमिली रहती है। मेरे हस्बैंड जो हैं 4 भाई हैं, तो 3 भाई जो है भाभी यहाँ पे रहते हैं और हम लोग वहाँ पे रहते हैं, और सभी लोग तैयार होके बस जाने का इंतजार कर रहे थे। सो फ्रेंड्स आ गए थे बड़े भाई साहब के ऑटो, वो भी बड़े भाई साहब जो है ऑटो चलाते हैं। हम लोग आ गए हैं शादी में यहाँ पर, और डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हो रही है दूल्हा दुल्हन की एंट्री, तो उनका भी डांस है। दूल्हा दुल्हन की एंट्री के बाद हम लोग आए थे खाना खाने के, वो बैठ गए थे, हमने सोचा कि वो बाद में डांस करेंगे, लेकिन उनका फर्स्ट में ही डांस हो गया था, तो फिर डांस भी नहीं देख पाए हम लोग, क्योंकि अभी उनका डांस चल रहा है और इधर हम लोग खाना खा रहे हैं, और फिर थाली छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हैं दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, चाचा ससुर चाची। तो बस आई होप ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।